ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इस घर में किसी से भी हार नहीं मानूंगी। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं हारूंगी या जीतूंगी ये जानने के लिए देखिए सुबह की फिजा। सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल सास गारी देवे देवर समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल छोड़ा बबुल कांगना भावे डेरा पिया का। क्या कहूँ मैं, क्या सुनाऊँ अपनी दास्तान। अजीब सा हाल हुआ मैं। अस्सलामुअलैकुम, ठीक ठाक हैं, खैरियत से है? मगर मैं ठीक नहीं हूँ, मैं खैरियत से नहीं हूँ। इतनी परेशान हूँ कि कुछ समझ नहीं आ रहा। कल आपने तो देखा ही होगा कि क्या हुआ। मैं दुल्हन बनकर आई, मेरा पहला दिन ससुराल में कल, और मुझे किसी ने वेलकम नहीं किया, किसी ने प्यार नहीं किया, किसी ने एक बार गले से नहीं लगाया। आपको पता है सास माँ की जगह होती है, मगर माँ जी ने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया। और बाकी घर वाले वो भी क्या कर सकते हैं, माँ जी की जो चलती है। मगर ज़रा सोचिए कि इस दुल्हन का क्या होगा जिसकी शादी के पहले रोज़ ही उसका मियाँ उसे छोड़ कर उसी सियालकोट पप्पी से मिलने चला गया। ये कोई तरीका होता है बताइए। अब आप मुझे बताइएगा कॉल करके कि क्या मैं तारिक की वापसी पर क्या करूँ, मेरा रवैया क्या होना चाहिए, क्या मुझे उनका साथ देना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए या गुस्से से सारी सिचुएशन को देखना चाहिए, या मुझे उनकी मजबूरी को समझना चाहिए। और मजबूरी भी क्या है, ये तो मेरी मोहतरम सासू माँ है जिन्होंने मेरे मियाँ को जो हुक्म दिया उन्होंने पूरा किया। अब देखना ये है कि आज की एपिसोड में क्या होता है, मगर आपका साथ ज़रूर चाहिए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम फिजा। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? हेलो आयशा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फिजा आप सुबह सुबह उदास होकर मत आया करें। आप इस वक्त हंसती मुस्कुराती डांस करती हुई आती है ना, तो हमारे भी दिन अच्छे गुजरते हैं। ये आपका प्यार है, आपको देख के तो हमारा दिन गुजरता है। क्यूट, ये आपका प्यार है सच्ची, दिल बहुत तो कर रहा है, बहुत बहुत प्यारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां ने आपको हर चीज दी है, बहुत प्यारी लग रही है। आपका प्यार दिया सबसे बड़ी बात। और कल तो दुल्हन बनी हुई बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। कल भी मैंने आमना अजमल की जो थी वार्डरोब पहनी हुई थी, आज भी आमना अजमल पहनी हुई, बहुत खूबसूरत साड़ी है उसकी। बहुत अच्छी लग रही है। अब क्या करूँ, शादी पे एकदम से शादी हुई, कोर्ट मैरिज हुई है, तो सारी शॉपिंग जो है जल्दी जल्दी करनी पड़ी कल स्पॉन्टेनियस। अभी तो पेमेंट भी नहीं की, अभी तारीख देंगे इंशाल्लाह तो फिर होगा। इंशाल्लाह आप अपने ससुराल में भी ऐसे ही रंग बिखेरेंगी जैसे आपने टीवी पे बिखेरे हुए। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा ना, देखे ना कल तारिक चले गए और फुप्पो के घर कंगन लेने के लिए। अब मेरी सास ने कल जो मेरे साथ सलूक किया, क्या मुझे उनके साथ प्यार से बात करनी चाहिए आज के एपिसोड में, या फिर आज मुझे प्यार से करनी चाहिए? बहुत प्यार से, क्योंकि अच्छा? वो बड़ी है ना जी, अगर वो बुरा भी करेंगी ना, और आपका ससुराल में नया नया दिन है, जब आप प्यार बिखेरना शुरू करेंगी ना तो वो आपसे और प्यार करेंगी। अगर आप गुस्सा दिखाएंगी तो जाहिर है वो लड़ाई झगड़े तो हमारे अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है, तो हम प्यार से काम करेंगे तो प्यार वाले काम तो बस अल्लाह ताला, मतलब आप आपके मुंह से तो गुस्सा अच्छा ही नहीं लगता, और आप कैसे अपनी सास को गुस्से से बात करेंगे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। अच्छा वैसे मैंने कल बहुत प्यार से बात करने की कोशिश की थी, आज दोबारा आपके कहने पे दोबारा ट्राई करूंगी। जरूर करनी है, पक्का। थैंक यू सो मच, आपके साथ का बहुत बहुत शुक्रिया।
अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम जी, कौन बोल रही है, कहाँ से बात कर रही है? अच्छा, उकाड़ा से बात करिए, आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। मुझे बताइए कि अभी देखें, आज मेरा ससुराल में पहला दिन है और मैं बिल्कुल अकेले बैठी हुई हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ क्या करूँ। अभी सब घर वाले बस उठ गए, तैयार हो के बस अभी लाउंज में आना शुरू कर देंगे, नाश्ता वाश्ता कर रहे, मुझे किसी ने नाश्ते के लिए भी नहीं पूछा। आप देखें क्या करूँ मैं, कुछ नहीं लग रहा, सब्र करें। सब्र करूँ, देखें ना तारिक को भी भेज दिया कंगन लेने के बहाने, अब मैं अकेली ऐसी बैठी हुई हूँ, पता नहीं क्या आगे होना है। मैंने इस घर में एडजस्ट होना भी है या नहीं होना, या मुझे इस घर से निकाल दिया जाएगा। लड़की की क्या गारंटी कि उसको ऐसा कुछ जी ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा हो गया तो मुझे अगर कोई तरीका बताएं कि मैं किस तरीके से चलूं, पॉजिटिव चलूं नेगेटिव चलूं, या सास की चाल सास पे आजमाऊं, ऐसा कुछ करूं क्या? पॉजिटिव चलना, नेगेटिव नहीं चलना, पॉजिटिव। अच्छा चले ठीक है, मैं देखती हूँ कि मैं जितना आपकी आवाज बहुत ब्रेक कर रही है मेरी जान, बहुत सो सॉरी। आपको दोबारा कॉल जी। हेलो जी जी, नहीं आई एम सॉरी, आपकी कॉल भी खुद ही कट गई, मैं मुझे कह रही थी ना ब्रेक हो रही है। हाय देखते हैं क्या होगा, समझ तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, मगर एक मशवरा और लेना चाहूंगी एक और दोस्त से। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही है और कहाँ से? आयशा बोल रही हूँ, मुल्तान से। मुल्तान से आयशा बात कर रही है, मुल्तान से बात कर रही है। देखे जी, तारिक को सियालकोट भेज दिया है, मैं क्या करूँ? देखे मैं सबसे पहले तो मैं आपकी शो की तारीफ करूँगी, बहुत मज़ा आता है आपके शो देख करना जी, बहुत ज़बरदस्त किस्म का शो है, और आप जो भी टॉपिक लेकर आती हैं ना, सुबह सुबह दिल खुश हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैं अपने दिल का क्या करूँ जी, आज अकेले बैठी हुई हूँ जी। आप परेशान ना हो, बल्कि अपने घर में ही दिल लगाएं और मोहब्बत से प्यार से और जो है ताल्लुक बनाकर और फिर आगे चले, आपके सारे मामलात हल हो जाएंगे। मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए तारिक पे, जब तारिक आए कि मुझे छोड़ के मुझसे मिले बगैर चले गए, प्यार से शादी की कोर्ट मैरिज की लेकर आए और उसके बाद मुझे ऐसे छोड़ के चले गए ससुराल में, मिले भी नहीं। नहीं लेकिन ये है ना कि देखें, माफ करने से जो है मामलात अच्छे होते हैं, आप उनको माफ कर दीजिए और बहुत ही प्यार से तमाम बाकी लोगों से मोहब्बत से प्यार से रहेंगी ना, तो वो खुद ब खुद उनसे भी प्यार से रहेंगे, उनका आपका प्यार उनको खुद खींच कर वापस दोबारा ले आएगा। अच्छा आप क्या है, बहू है? जी मैं बहू हूँ। आपकी सास अच्छी है? जी बहुत अच्छी है, मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, थोड़ा सा पहले होता था लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है अंडरस्टैंडिंग से मोहब्बत से हमने एक दूसरे को जीत लिया, शायद इसलिए हम माशाल्लाह से हमारी शादी को 18 साल हो गए और माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम है और हम माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। क्यूट। और फिजा मुझे आपसे एक शिकायत भी थी छोटी सी जी, मुझे आपसे एक छोटी सी शिकायत भी थी। शिकायत भी कर दीजिए, आज मुझसे आप सब शिकायत कर सकते हो जी। हेलो शिकायत तो कर देती, नो भला अब फिर कॉल कीजिएगा, शिकायत कंटिन्यू रहेगी आपकी। हाय देखिए जी, आज के एपिसोड में आगे और क्या क्या होता है तो बहुत कुछ, सरप्राइजेस भी, क्योंकि देखे ना मेरा तो पहला दिन है, जो जो कैरेक्टर जिस तरह से मेरे साथ बिहेव करेगा वो मेरे लिए तो सरप्राइज ही होगा। समझ नहीं आ रहा, कभी मैं सोचती हूँ कि मैं शीला से दोस्ती करूँ, शीला इस घर की पुरानी मुलाजिम है, उसको उस घर के तौर तरीके भी पता है, हो सकता है अगर उससे दोस्ती करूँ तो वो मुझे सबका दिल जीतने का राज बता दे। फिर सोचती हूँ हो सकता है मुझे अपनी नन से दोस्ती करनी चाहिए, बड़ी प्यारी है और इतने मासूम तरीके से स्माइल करती है ना, अच्छा दिल है उसका, उससे भी बात कर सकती हूँ। हाँ मगर वो तो छोटी है, उसकी तो चलती भी नहीं हूँ। एक और ऐसी शख्सियत है जिससे बात कर सकती हूँ, तो ब्रेक के बाद जल्दी जाइएगा, जल्दी आइएगा। सास गेंदा फूल।